मीरा भाईंदर महानगर पालिका में तोड़फोड़ के मामले में मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता की तीखी प्रतिक्रिया। आइए जानते हैं नरेंद्र मेहता ने क्या कहा इस पूरे मामले में। शिवसेना बीजेपी के नाम की खा रही है, वो जो भी जीतते आ रहे बीजेपी के कारण, मोदी जी के कारण। आज बहुत बुरा हुआ, यहाँ पे प्रथम नागरिक महिला है। आज सभा चालू होते हुए आज तक के इतिहास सभागृह के अंदर शिवसेना के कार्यकर्ता अंदर घुसे, तोड़फोड़ की और महिला महापौर के कैबिन में जाके उन्होंने गालियाँ दी। मुझे लगता है कि उद्धव जी के संस्कार ही शायद यही रहे होंगे उनके कार्यकर्ताओं को। ये पहले उत्तर भारतीयों को मारती थी, फिर गुजराती के पीछे लगे, फिर मुस्लिम समुदाय के पीछे लगे, अब इनके खून में जो है ना मारपीट के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे वो भी हमने स्वीकारा, ये इनके खून में है मारपीट, लेकिन माँ इसी क्षण हम कोई उनके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि बात मेरे युति की नहीं, बात नहीं, बात महिला के सम्मान की है। अगर उन्हें युति रखनी है तो यहाँ आए, प्रताप सरनाइक माफ़ी मांगे, यहाँ पे आके नगर सेवक माफ़ी मांगे, यहाँ जो नुकसान हुआ है वो भर के दे और पुलिस उन पर कार्रवाई करे, जेल में डाले, उसके बाद युति बरकरार। नहीं तो मैं ऐसी युति अपने स्वार्थ के लिए जनता का बलिदान दे के महिलाओं का सम्मान बेच के ऐसी युति में जिंदगी में नहीं। सत्रह सितंबर को मीरा भाईंदर महानगर पालिका में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया, जिसमें से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के शिवसेना के 17 नगर सेवक है और एक शिवसेना का नेता, बाकी के अज्ञात लोग है। महानगर पालिकेचे कार्यालय मध्ये स्थायी समिति की सभा चालू असताना काही नगरसेवकांमार्फत तिथे तोड़फोड़ करण्यात आली। या संदर्भात भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये 18 जणांना आरोपी करण्यात आलेला आहे आणि त्याबाबत तपास सुरू आहे। किती लोकांना याच्यामध्ये अरेस्ट केलं सांगा नाही, अजून आरोपींच्या बाबत तपास आणि शोध चालू आहे, त्यामुळे लवकरच अटक करण्यात येईल। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी के कार्याध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन ने इस पूरे मामले पे अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं मुजफ्फर हुसैन ने क्या कहा। ये हकीकत में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का अपमान है। ये स्टंट करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एजेंडा पे विषय ही नहीं लिया। प्रशासन ने विषय दिया, विषय लिया नहीं। 2 करोड़ महापालिका देने वाली है, 48 करोड़ सरकार देने वाली है, ये आमदार ने खुद ने बताया है। तो कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, 1 साल 2 साल उसे लगते हैं। जब आप शहर में 50 काम का भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहे हो, फाउंडेशन कर रहे हो, उद्घाटन कर रहे हो, तो इस काम को मान्यता देने में क्या दिक्कत थी? इसका भी भूमि पूजन आप कर लेते। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा वालों ने आदरणीय बाला साहब ठाकरे का अपमान किया।